अल्लाह ने रहम कर लिया और फिर मैं आगे जाता रहा। फिर अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा आप लोग, उम्मीद है खैरियत से। गाइस जैसे कि आपको स्टोरी टाइम तो चल ही रहा है, बाकी वीडियोस भी आ रही हैं इंशाल्लाह, और बाकी भी तैयार हो रही है और यानी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यानी आज के मैं सोचा आपको काफ़ी टाइम हो गया, स्टोरी टाइम भी काफ़ी सारे मेरा स्टोरी टाइम भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी है ना वीडियोस तो हो गई, स्टोरी टाइम इक्का दुक्का हुई थी। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे गाइस। तो स्टोरी टाइम पे हम 12 अप्रैल के हवाले से बात करते हैं कि 12 अप्रैल के हवाले से कि जब 12 अप्रैल थी यानी कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ पर लाइट का मसला हो गया था हमारे घर के यहाँ। लाइट का जब मसला हुआ, लाइट समझो होना ना होना एक ही बराबर था कि लाइट के ऊपर यानी लाइट का कम वोल्टेज आ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसे वोल्टेज आते हैं, अगर पाकिस्तान देखा होगा, खासकर मीरपुर घास के देख रहे हैं, उनको भी पता होगा वोल्टेज के ऊपर नीचे होता रहता है, तो लो ज़्यादा कभी लो, तो वोल्टेज का मसला हो रहा था। तो बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या वो आपको आगे का बताता हूँ कि जब मैं लाइट जैसी ख़राब हुई, हमने बहुत दफ़ा हमने वापडा लोगों को कहा भाई वापडा वाले आ जाए, वापडा वाले आपको पता है कैसे होते हैं, अगर मैं देख रहा था आप बुरा नहीं मानना भाई, क्योंकि ये लोग हैं। तो वापडा वालों ने हमने काफ़ी दफ़ा उनको कॉल करी भाई आ जाए, हम आएंगे कल आएंगे परसों आएंगे, तो उन्होंने लगा हम आ जाएंगे भाई, उन्होंने कभी तो आप तो आ जाए भाई, 12 अप्रैल करीब ये करीब दो दिन या हम लोग चांद रात से पहले दो दिन या तीन चार दिन पहले हुआ चांद रात से पहले, तो उस दिन चांद दिखा था आपको पता है। तो फिर गाइस क्या हुआ, फिर मैं क्या करा, मैं कहा यार ये तो आ नहीं रहे, फिर पापा ने कहा चलो यार इनको ये बुला के लाओ, उन्होंने कहा हाँ इन्होंने कहा कि यार आप है ना हमें लेने आ जाओ, मैं कहा ठीक है हम आ जाते लेने आपको। फिर हाँ हमारी बाइक भी पंचर हो गई थी, पता है फैसले की आप जानते हैं पाकिस्तानी जैसी बाइकें होती हैं खुद ही खुद पंचर हो जाती हैं, तो यानी की लेवल हो गया से। तो हमने कहा चलो मैं आया, तो मैं जब मैं जाने लगा ना तो फिर मैं कहा चलो मैं चलता हूँ, फिर मैं चलते गए अल्लाह ताला ने मेरे पता रहम करा, अल्लाह ने बचाया कि मैं दो तीन दफ़ा मैं मुझसे एक्सीडेंट होते थे बचा रही, तीन दफ़ा मैं अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह शुक्र है कि आप भाई अल्लाह उसको चाहे यार बचाए, तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। मैं अलग दुआ पढ़ के भी मैं टेंशन में था, बगैर लाइट आ नहीं रही मसला चल रहा है ये वो, फिर मैं जब लिख रहा मैं दुआ भी नहीं पढ़ी थी, अल्लाह की इसकी दुआ होती है सुभान अल्लाह जी। दुआ पढ़ने के बाद दुआ मैं सब लोग पढ़ी, मैं जिस पर याद नहीं है भी मैं टेंशन में लगा उनको लेके आना है, मैं लेके गुजरा सब लोग, फिर मैं तुझे मैं उनको लेके आता हूँ। फिर मैं जब जाने लगा ना तीन दफ़ा बचा, पहली दफ़ा में जब मैं बचा ना बाइक यूँ साइड में गुजरे हैदराबाद रोड से, मगर ये क्या यार मैं यार क्रॉस एक वो यार क्रॉस करना होता है इसी के क्रॉस में से मैं सब लोग मैं सीधे जा रहा था, उसके बाद फिर वहाँ से यार क्रॉस होते पाया, अगर वो पाँव ऊपर रख के चला रहा है कहीं यार सही नहीं चला रहा बाइक, मैं कहा चलो ठीक है मैं तो ऐसे ही गुजर गया क्योंकि उसके सामने से मैं तो बाइक चला रहा था अपनी सीट में था। जब मैं वहाँ से गुजरा और फिर मैं समझ लो मैं साइड पे जैसे लगाई ना वो मेरी बाइक में धम क्योंकि उसे टकरा हुई हुई, फिर क्या हुआ मैं हिल गया क्या मार दी पीछे, मैं देखा क्या कौन है, लाइट पूरी तबाह नजर ही है, लाइट का नामो शक्ल कुछ भी नहीं बचा, लाइट को पूरी रेड कलर की जो होती है बैक की पीछे की लाइट बाइकों का पता जैसे कि होती है वैसे के लिए, तो वो वहाँ पे ना वो टूट गई, लाइट टूटी, लाइट के साथ अंदर का बल्ब सब कुछ ना अजीब मंजर हो गया, लेकिन सिर्फ हम दो इंडिकेटर बचे, दो इंडिकेटर जो बचे वो शुगर वो सही थे वो सही चल रहा था। तो मैं कहा यार तू पैसे दे यार ये क्या कर लिया तूने यार, मैं कर लिया अपनी यार टेंशन में मैं पैसे दे यार जैसे होता है अपने, वो कहा मैं मैसे नहीं हो रहा, मैं कहा तू यार बिना इंडी बिना ब्रेक के बिना क्लच के तू बाइक चला रहा है, उसके क्लच भी ख़राब था उसके ब्रेक भी ख़राब था, उसने बोला मैंने भी तुम यार ये गलत करा तुमने बिल्कुल गलती करी, तो वो है ना किसी तरह हमने यार क्या करें यार, फिर कहा भाई पैसे नहीं है वो कह बहाना बना के निकल गया, हमें गया तंग करके रखा साल ने लाइट तोड़ के भाग गया। तो फिर मैं गया किसी तरह, फिर वो पता चला भाई वो वाप डाले हमें पहुँचे लो, मैं कहा चलो पहुँच गए चलो ठीक है। तो फिर वो लाइट वाइट माशाल्लाह ठीक हो गई, फिर माशाल्लाह इसलिए कहता था आप बोलते ज़्यादा सोचते हैं कि माशाल्लाह अच्छी अच्छा अच्छा काम हो जाए उसमें माशाल्लाह जरूर लगाना चाहिए, इसलिए मैं माशाल्लाह कह देता हूँ ज़्यादातर। तो ये वीडियो ये स्टोरी याद रखती है स्टोरी टाइम था।
तो अब आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी मिलूँगा। अगर कोई स्टोरी पसंद आई हो और आपको इसमें कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारे ऐसे मज़े ब्लॉग के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना फिर आप भूल जाएंगे। तो ज़रूर बाइकों को अपने सबको यानी उनको सेट रखें, उनकी है ना रिपेयरिंग ट्विनिंग ज़रूर होना चाहिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।